हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताएंगे तुलसी माता के विवाह के बारे में, पूजा विधि पूरा बताएंगे, कैसे उनकी शादी होती है, उनकी शादी कैसे कराया जाता है, जिसके पास शालिग्राम नहीं है वो कैसे अपने घर में अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से तुलसी विवाह घर में ही कर सकती है। मैंने तुलसी माता का, ये देखिए, आप पौधा बोलती होंगी, हम माता बोलेंगे इस टाइम पे, तुलसी माता का ले लिए हैं। अभी हम ब्लाउज, जो भी आपके पास लाल कपड़ा हो, लाल कपड़ा से हम इनको ऐसे पहना दिए हैं इनको, ये देखिए, ऐसे पूरा ढक देंगे ताकि लगे कि हाँ तुलसी माता सज बज गई हैं। इनको लाल वस्त्र पहना दिए हैं हम। विष्णु भगवान के पास हमारे पास शालिग्राम, जिसके पास शालिग्राम नहीं है, ज़्यादातर के लोगों के पास शालिग्राम नहीं होती है, तो आप उस समय क्या करेंगी, विष्णु भगवान का फोटो लीजिए और उनके साथ में ऐसे रख के उन्हीं के साथ में शादी, अपना विवाह करवा दीजिए। अभी हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ में पूजा करने के टाइम सबसे पहले हम गणेश जी को बुलाते हैं, तो उनको भी हम बुलाएंगे, ओम गण गणपतये नमः, ओम का 5 बार ऐसे बोल के उनको आह्वान दे के उनको बुला लीजिए। गणेश जी आ गए हैं तो सबसे पहले अभी हम भगवान के ऊपर, हम भगवान को नहला देंगे पुष्प से, ऐसे 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 हम पुष्प से जल से नहला देंगे, गंगा जल से। तुलसी माँ, विष्णु भगवान जी नहा चुके हैं। आपके पास विष्णु भगवान भी नहीं है तो कृष्ण भगवान भी चलेंगे, क्योंकि उन्हीं के अवतार कृष्ण भगवान भी हैं। तो अभी अभी हम विष्णु भगवान को नहला चुके हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए, अष्टगंध, हम पीला चंदन केसर का, विष्णु भगवान को बहुत पसंद है पीला चंदन, तो हम अष्टगंध ही केसर का लगाएंगे, केसर का चंदन है ये, ये देखिए पीला चंदन भगवान को लगा देंगे। सभी देवता इसमें हैं, सबको लगा देंगे हम, कलश में भी लगा देंगे इसी तरीके से। अभी हम तुलसी माता को भी लगा देते हैं अष्टगंध। अब उसके बाद हम तुलसी माता को हल्दी कुमकुम लगा देंगे। हल्दी कुमकुम करने के बाद अभी हम फूल चढ़ा देंगे भगवान जी को। ये देखिए पीला फूल विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसे हम देखिए लगा देंगे। लक्ष्मी, तुलसी माँ को भी ये देखिए फूल चढ़ा देंगे हम। ये देखिए इस तरीके से लगा देंगे हम। अभी हम विष्णु भगवान को माला पहनाए जा रही है, नया माला लेके आइए। अभी हम विष्णु भगवान को अपना ये मोती का माला है वो पहना दिए हैं अच्छे से। अभी तुलसी माँ को हम, तुलसी माता को भी हम पहना देंगे माला। हार लाइए एकदम छोटा सा, ये देखिए इसको हम गांठ लगा देंगे। इस तरीके से हम पहना देंगे। माला पहना दिया है, तुलसी माता को भी हार चढ़ा लिए। अभी हम सबसे पहले अभी हम दीपक जलाएंगे। अगरबत्ती भी हम जला लेंगे। ये देखिए अभी हम अगरबत्ती जला के सबको, तुलसी माता को, विष्णु भगवान को दिखा देंगे, धूप दीप सब दिखा देंगे अच्छे से।
ये कार्तिक मास जो होता है बहुत ही पावन महीना होता है। अगरबत्ती हम ऐसे यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे साइड में रख दीजिए। अभी हम दिया दिखा देंगे। हे तुलसी माता, ओम तुलसीयै नमः, ओम तुलसीयै नमः, ओम तुलसीयै नमः, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार। आपको ज़्यादा श्रद्धा है तो आप 108 बार भी कर सकती हैं। मन में भाव रख के आप 108 रुद्राक्ष का माला ले लीजिए और फिर ओम तुलसीयै नमः का जाप 108 बार कर लीजिए। और विष्णु भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे बोलते हुए 11 बार, 21 बार, जो भी आप बोलना चाहती हैं ऐसे भगवान को दिया दिखा दीजिए, आरती दिखा दीजिए भगवान को। अब दिया को हम यहाँ रख देंगे सामने। अभी हम धूप को भी लगा लेते हैं। ये देखिए अभी धूप हम सबको दिखा देंगे। धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ जला के अच्छे से पूजा करिए, अच्छे से भाव से मन से। अभी हम यहाँ रख देंगे साइड में। आज के दिन विष्णु भगवान जागते हैं, एकादशी है, तुलसी जी के साथ उनकी इस दिन विवाह होती है। सबसे पहले क्लास शालिग्राम को चावल नहीं चढ़ता है, विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए उनके लिए तिल का भोग लगाएं, तिल का मिठाई बनाएं या तिल मतलब चढ़ा सकती हैं उनको। और मिठाई भोग में क्या, भोग में फल हलवा मिठाई पूरी चरणामृत बना के विष्णु भगवान को अति प्रिय है वो चढ़ा सकती हैं आप। और कार्तिक मास भी बहुत ही पावन महीना होता है तो आप 1 महीना तक दिया जलाइए तुलसी माता के सामने, और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर में तुलसी माँ रहती हैं वहाँ सब सुख शांति बनी रहती है। थोड़ी घंटी हम बजा देंगे। अभी हम भोग लगा लेते हैं। ये देखिए अभी हम तुलसी माता और विष्णु भगवान का ऐसे गठबंधन कर देंगे, यहाँ सब कप पकड़ के ऐसे गांठ लगा देंगे। इनमें हम फूल ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, जो भी आपके पास है वो ऐसे गांठ लगा के गठबंधन कर दीजिए। जैसे शादी के टाइम में गठबंधन किया जाता है। अभी जो भी आपका श्रृंगार का सामान है, चूड़ी हो, बिंदी हो, जो भी सामान श्रृंगार का चढ़ा रही हैं माता जी को, तुलसी माता को, अभी हम सब उनके पास ऐसे रख देंगे यहाँ पे। बिंदी आप लगा भी सकती हैं उनके पत्ते के ऊपर। रख देंगे उनके पास। अभी हम तुलसी माता को सिंदूर चढ़ा देते हैं। आज के दिन बाकी दिन तो तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगता है, हल्दी कुमकुम और दिया ही दिया जाता है, तो आज के दिन इनका विवाह है तो आज के दिन इनको हम सिंदूर लगाएंगे। आज इनकी शादी हो गई है। विष्णु भगवान के साथ शादी करवा दीजिए अच्छे से, बिना कपूर का विष्णु भगवान का आरती नहीं होता है, तो कपूर से हम आरती भी कर लेंगे। कपूर निकाल के रख लेते हैं साइड में। अभी हम विष्णु माता जी को सब फल का भोग लगा लेते हैं। फल में आप कुछ भी ले सकती हैं जो आपके पास हो। देखिए केला है, पपीता है, संतरा है, नारियल है। अभी हम सब माता जी को दिखा देंगे, विष्णु भगवान को दिखा देंगे, यहाँ पे रख देंगे माता जी के सामने।
ये देखिए, बाकी सब भी फ्रूट्स हम भगवान को दिखा लेंगे। 5 तरह के फ्रूट्स आप ले सकती हैं। आज शादी है तो आज तो बनता है सब कुछ करना अच्छे से, भव्य तरीके से माता जी का शादी कराइए। जिनके पास लड़की नहीं है वो इसी तरीके से कन्यादान करिए, तुलसी माता की ही शादी अच्छे से करवा के ब्राह्मणों को दान दीजिए। सारा सामान जो भी सामान आप चढ़ा रही हैं ले जाके मंदिर में आप दान दे दीजिए, कन्यादान तुलसी माँ का करिए। अभी खाने में हम भोग लगाएंगे। खाने में भोग देखिए, मैंने बिना लहसुन प्याज का सादा खाना बनाया है। यह है चने की सब्जी, सीरा हलवा जिसको जो बोलते हैं सूजी का हलवा, और यह है पूरी, पालक की पूरी है। इसलिए माता जी का विवाह है तो हम पकवान अच्छा सा बनाए हैं माता जी के लिए, भोग लगा देते हैं। अभी हम ऐसे 3 बार सबको फल और भोजन को 3 बार ऐसे आचमनी कर देंगे। अभी हम खाना यहाँ रख देंगे, देखिए यहाँ पे रख दिए हैं। अब माता जी का सब कुछ हो गया है, अब पूजा हो गया है इनका। अभी हम इनकी आरती कर लेंगे। अभी हम विष्णु भगवान का कुछ बात आपको बताते हैं। जैसे तुलसी माँ के पौधे में सभी देवता वास करते हैं, आप सबको पता ही होगा लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। तो सब देवता वास करते हैं, ब्रह्मा का वास होता है, विष्णु का भी वास होता है। विष्णु का वास यहाँ जो ऊपर फल आएंगे ना यहाँ वो वास होता है, बाकी सारे देवता लोगों का यहाँ पे नीचे वास होता है। और दिया हम जलाते हैं, डेली जलाते हैं तुलसी माँ को दिया, लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं कि जो कि हमें नहीं जलाना चाहिए। आप सबको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता हो तो आप जान लीजिए। जैसे रविवार को तुलसी माता का दिया नहीं लगाया जाता है, अगर लगाना ही है तो सुबह सुबह आप जब तक सूर्य भगवान नहीं निकले हों तभी उनका दिया आप लगा सकती हैं, लेकिन उस दिन नहीं लगा के बाकी सारे दिन आप दिया लगा सकती हैं। तुलसी माता का तुलसी माता को कब घर में लाना चाहिए, जैसे आपकी माता तुलसी माँ सूख गई हैं आपको दूसरा लगाना है तो आप गुरुवार को ला सकती हैं, या फिर शुक्रवार को भी ला सकती हैं, या फिर एकादशी को बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। एकादशी को आप एकादशी के दिन तुलसी माँ को लाइए, अपने घर में लगाइए, बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है उनका। उनका मतलब विष्णु भगवान का दिन होता है, उस दिन आएंगी लक्ष्मी माँ। और जब शादी हमें करनी होती है, तुलसी माँ की विवाह कराया जाता है विष्णु भगवान से, उस दिन हमको बड़ी सी तुलसी नहीं चाहिए होती है क्योंकि खूब बड़ा सा रहे मतलब वो सब निकला रहे, हमको कन्या तुलसी चाहिए। तो हम देख लीजिए, इसीलिए कन्या तुलसी लाए हैं छोटी सी। आप छोटी सी कन्या तुलसी ले लिए, उन्हीं कन्या तुलसी का विवाह होता है। इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि किस लिए इतना छोटा तुलसी ली है, लेकिन मैं जानबूझ के तुलसी माँ को कन्या तुलसी लेके आई हूँ, इसीलिए उनका विवाह कराया जाता है। आप भी जान लीजिए, अगर आपको नहीं पता हो तो कन्या तुलसी लाइए और उन्हीं का विवाह कराइए। ये देखिए, मैंने आज रंगोली बनाई है। रंगोली के बिना कुछ शुभ नहीं होता है, रंगोली हमें ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए। कहीं कहीं रंगोली नहीं मिलती है तो वहाँ आप क्या कर सकती है, आटे से रंगोली बना लीजिए या फिर चावल के आटे से बना लीजिए, जिसको हम लोग मतलब चौक पूरना बोलते हैं, तो आटे से भी बना सकती हैं और चावल के आटे से भी बना सकती हैं। मैंने तो रंगोली बनाया है, रंगोली आज माता जी का विवाह है तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसे ही रंगोली बना लीजिए, स्वस्तिक बना लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। अभी हम आरती कर लेते हैं, सारा पूजा मेरा हो चुका है आप देख सकती हैं। अभी आरती करके और जो भी आपकी मन्नत हो, जो भी आप मांगना चाहती हैं माता जी से, विष्णु भगवान से, वैसे तो सब कुछ आपको भर देंगे अगर हमेशा आप इनकी पूजा करती रहेंगी, कुछ कमी नहीं होगी आपको इनकी पूजा करने से। सब सुख समृद्धि आपके घर में ज़रूर आएंगी। आप बस मन में भाव रखिए, श्रद्धा रखिए, टाइम लगता है लेकिन भगवान ज़रूर देते हैं।
परीक्षा सबकी लेते हैं लेकिन इच्छा सबकी पूरी करते हैं। ये देखिए अभी हम कपूर से सब माता जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान का करेंगे। विष्णु भगवान की आरती सबको आती है, वो कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे, और तुलसी माता का भी आरती होता है, वो कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट में लिख के दीजिए, मैं आपको तुलसी माता की आरती ज़रूर सुनाऊंगी और बताऊंगी भी। अगर मैं वो करूंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं कर लेती हूँ लेकिन वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। इसी तरह के सब की आरती कर लीजिए। पूजा आपका हो गया है, विवाह हो गया है माता का, तुलसी माँ का। और प्रार्थना कर लीजिए, जो भी गलती हो उसको भगवान क्षमा करे, माँ सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। इसी तरीके से प्रार्थना करते हुए हमारा पूजा संपन्न हुआ। फिर लास्ट में बोल दीजिए, कपूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे ओम भवानी सहित नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या त्रिभुवनम तमेव मुसव सर्वम मम देव देव। ये देखिए अभी तीन बार ऐसे आचमनी कर लीजिए, फिर कपूर की आरती सबको भगवान को आरती ऐसे दे दीजिए, फिर एक बार आचमनी करके ऐसे ऐसे करके फिर हम भी आरती ले लेंगे माता जी का, विष्णु भगवान का। हे सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ऐसे बोलते हुए जो भी आपसे गलती हो उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।